इस पर कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। हम बता दें नंगरहार में द फादर ऑफ ऑल बम नाम से ये मशहूर है। आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ ये अमेरिका की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में ये अब तक का सबसे बड़ा बम गिराया है। हम आपको बता दें हालांकि ये गैर परमाणु बम है। बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब 10,000 केजी का यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। एक बहुत ही बड़ा कदम है ये अमेरिका के द्वारा। अभी शॉन स्पाइसर, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस के, वो अभी भी अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं, अभी उन सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब इसको कहा जाता है, जिसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो सुरंग है, जो आईएसआईएस की सुरंगें हैं, उनको टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया है, इसका इम्पैक्ट इस तरीके का होगा। ये शायद एक अकेला बॉम्ब है जिसका अभी इस्तेमाल किया गया है, जिससे सुरंग के थ्रू, सुरंग को तोड़ करके हमला किया गया है आईएसआईएस के टारगेट्स के ऊपर। तो अफगानिस्तान में ये पहली बड़ी कार्रवाई है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल की है। अभी भी शॉन स्पाइसर क्यों ये फैसला लिया गया है इस पर अभी जवाब दे रहे हैं। जाहिर तौर पर, लेकिन इसके अगर आगे हम परिणामों पर बात करें, लड़ाई अब किस तरफ जाती दिखती है? आईएसआईएस के खिलाफ एक्शन लेगा अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था। और अब उनके जो चुनावी वादे थे, उन पर उन्होंने एक एक करके काम करना शुरू कर दिया है। और आईएसआईएस एनिमी नंबर वन है, ऐसा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था जब वो कैंपेन ट्रेल में भी थे, कि जिस तरीके से आईएसआईएस अपने पंख फैला रहा है पूरी दुनिया में, उनके जो ठिकाने हैं अलग अलग पूरे जो दुनिया में फैले हुए हैं, अफगानिस्तान में जो उनका हॉटबेड है, जहां पर से एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको वो टारगेट करेंगे, उन्होंने साफ पहले भी कर दिया था। और अब इसी दिशा में उन्होंने कदम उठाया है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिस वेलोसिटी का बॉम्ब आज इस्तेमाल किया गया है, इरादे बिल्कुल साफ हैं कि जो टेररिज्म का फाउंटेन हेड है, जहां पर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। अगर उन टनल्स में फाइटर्स हैं, आपका वहां पे असला है, उन सबको टारगेट करने के लिए इस इनॉर्मिटी का, इस साइज का ये बॉम्ब 10,000 केजी, आप उसका सोच सकते हैं किस तरीके का इम्पैक्ट होगा भुवनेश, यही सोच करके इस बम को गिराया गया है।